नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आप बंधन बैंक के ऑफिशियल मोबाइल ऐप एम बंधन को कैसे डाउनलोड करके एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख पाएंगे, हम इसको पहले से अपने प्ले स्टोर पर से डाउनलोड किए हुए। जब आप इसको यहां से डाउनलोड किया, ओपन किया, तो आपके सामने एक नया पेज इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा, आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से डिस्प्ले होगा, यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन मिलेगा, आप रीड करना चाहिए तो आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे आप एक्सेप्ट किया, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक किया, आपके सामने इस प्रकार से डिस्प्ले मिलेगा। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप इसको कस्टमर आईडी के माध्यम से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, दूसरा अकाउंट नंबर डाल के भी एक्टिवेट कर सकते हैं। दोनों में से आपके पास जो भी, आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको ये दोनों कहाँ मिलेगा, तो बंधन बैंक के आपके पासबुक पर लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा, या फिर यदि आप अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन किए तो आपको वहाँ कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर दोनों शो हो रहा है। तो वो कस्टमर आईडी या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। डालने के देखिए, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा इंटर अकाउंट नंबर, जो भी आप ओपन में सेलेक्ट किया वो नंबर यहाँ आपको डालना होगा। कस्टमर आईडी तो कस्टमर आई डालना होगा, यदि आप अकाउंट नंबर सेलेक्ट किया यहाँ से आपको अकाउंट नंबर डालना होगा। उसके बाद नीचे में आपको फिर दो ऑप्शन मिलेगा, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। यदि आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है फिर भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे एक्टिवेट कीजिएगा, इसके ऊपर हमें अलग से डिटेल पूर्वक वीडियो बनाए हुए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पे मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए आपको बता दें कि यदि आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसा कि आप यहाँ देखो, हम अपने अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से डिस्प्ले में आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपको ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ ओके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपके अकाउंट के साथ जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है यहाँ से आपको एक SMS सेंड करेगा, आपको SMS सेंड करने के लिए कहा जाएगा। जैसे आप यहाँ से SMS सेंड कर दिएगा, ये SMS चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले आना होगा। जब आप बैक आएगा तो वो यहाँ से SMS ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। देखिए, आपको रीड करने के लिए कुछ समय मिलेगा, रीड करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। यदि आप डेबिट कार्ड को सिलेक्ट किए तो आपको डेबिट कार्ड का नंबर डालना होगा। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है डेबिट कार्ड का जो भी 16 अक्षर का नंबर होता है तो यहाँ आपको डालना होगा। उसके बाद जो भी आपने ATM कार्ड का पिन बनाएंगे, ATM पिन, वो यहाँ डालना होगा। उसके बाद एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर यहाँ आपको डाल देना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे पास एक बंधन बैंक का ATM कार्ड बाय पोस्ट डिलीवर हुआ था जब हम अपने अकाउंट ओपन किए थे। क्या देखिए, आपको ये 16 अक्षर का नंबर डालने के लिए कहा जाएगा, उसके बाद ये आपका डेट डालने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद जो भी आपने इस ATM कार्ड का पिन बनाएंगे वो पिन डालना होगा। चलिए आपको डाल के दिखा देते हैं। पूरा डिटेल डालने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे आप इससे फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक की, तो आपके सामने फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। देखिए, बोल रहा है मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ से आपको पहले देखिए बोल रहा है लॉग इन पिन। जो भी आपने लॉग इन पिन रखना चाहते हैं तो 6 अक्षर का आपको लॉग इन पिन बनोगा। देखिए, बोल रहा है मिनिमम आपको 6 डिजिट का लॉग इन पिन बनोगा। तो आपको फिर से कन्फर्म लॉग इन पिन यहाँ डालना होगा, जो कि आप ऊपर में बनाइएगा। फिर आपको न्यू ट्रांजेक्शन अर्थात मनी ट्रांसफर वगैरह करने के लिए आपको 6 अक्षर का एक ट्रांजेक्शन पिन भी बनना होगा। लॉग इन पिन की तरह ही आपको वो बना लेना होगा जो भी आप बनना चाहते हैं नंबर के साथ, जैसे कि 40, 50, 60, 70, कुछ भी आप अपने इच्छा अनुसार जो भी रखना चाहते हैं आप बना लीजिएगा अपना ट्रांजेक्शन पिन और लॉग इन पिन। चलिए आपको बना करके दिखा देते हैं। जब आप डाल दीजिएगा फिर आपको नेक्स्ट को यहाँ से क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होगा। आप यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपको 6 सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से डालने के लिए कब ऑप्शन मिलेगा, सॉरी 5 क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको 5ों को सिलेक्ट करके उसके बाद आपको सभी का आंसर भी क्लिक करना होगा, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ से आपको क्वेश्चन मिले, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। देखिए, आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, आप इसको रीड करके उसका आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से ये एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए आंसर करके आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन का आंसर करने के बाद आपको जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, देखिए यहाँ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन मिला। देखिए, बोला यू हैव सक्सेसफुल कंप्लीट द मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, जो भी आप अभी लॉगिन पिन बनाएंगे वही फिर आपको डालना होगा। यहाँ देखिए, आपको डालना ऑप्शन मिला। देखिए, बोला प्लीज इंटर योर लॉगिन पिन। जैसे आप यहाँ से अपना लॉगिन पिन डालेगा तो यहाँ से आप इसमें सक्सेसफुल लॉगिन हो जाइएगा। आप यहाँ देखो, हम इसमें सक्सेसफुल लॉगिन होगा तो आप इस प्रकार से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं ATM कार्ड के माध्यम से। यदि आपके पास ATM कार्ड नहीं है फिर भी आप इसको एक्टिवेट करना चाहते तो आप कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, वीडियो बनना हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यदि आपके पास ATM कार्ड है आप इस प्रकार से ATM कार्ड के माध्यम से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।